हेलो दोस्तों, वेलकम टू भीमा व्लॉग्स। आज मैं सुबह सुबह ही आपको खेतों में दिख रहा हूँ और नाला किनारे। मैं अभी सुबह सुबह गाय चराने आया हूँ क्योंकि जो मैं आपको पड़वा दिखाया था, जो बीमार था, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जो घर में है। तो आज वो गिर गया था दो बार और उसका गर्दन भी सूज गया है, तो मैं जल्दी जल्दी में आपको नहीं दिखा पाया। मैं अभी ये बाकी के जो गाय बच्चियां हैं इनको चराने आया हूँ यहाँ पर। तो ये गाय है, वो बच्चिया, उसका आगे एक पड़वा दिख रहा है। तो जो पड़वा दिख रहा है उसी के साथ ही है वो जो बीमार पड़ गया है बहुत ज़्यादा। आज डॉक्टर को भी बुलवाए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं। इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो इनको मैं चराने के लिए लाया हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब एक के कारण दूसरे को तो भूखा नहीं रख सकते हैं। सेम उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर एक परेशानी में है तो दूसरा तो काम करना पड़ेगा, ये तो जीवन की रीत है। तो आज मैं यहाँ पर गाय चराने आया हूँ तो आप लोग को दिख रहा है कि आसपास कितना हरा भरा है, पर मन में अशांति है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पड़वा है, जो दूसरा एक साथी इनका, वो घर में है, बीमार है, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सब एक साथ रहें तो सब अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ आज का कि जीवन में अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या पड़ोसी हो, या दोस्त भाई कोई भी हो, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अकेला छोड़ने से वो अकेला ही हो जाएगा। अगर हम उनका साथ देंगे तो उसको हिम्मत मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, तो वह आगे ही बढ़ सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं चरा रहा हूँ गाय, तो आपको यही बताना चाह रहा था मैं कि बिल्कुल एक अकेला महसूसपन हो रहा है यहाँ पर। इनका पेट भरना तो ज़रूरी है, पर जब ये साथी में नहीं है सब लोग तो क्या खुशी। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब हमारे रिश्तेदार ही, हमारे माँ बाप, भाई बहन अगर साथ ही नहीं हैं तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। चाहे हमारा घर कितना बड़ा हो, खेती बाड़ी कितना हो, ज़मीन बहुत ज़्यादा हो, कोई मतलब का नहीं। जब तक उस घर में खुशहाली ना हो, जब तक उस घर में एकजुटता ना हो, सब एक साथ मिलकर ना रहें। लोगों को जलते हैं जलने दो, पर हमको एक साथ बने रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे और एक अच्छा परिवार बन सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार ये गाय तो चर रहे हैं पर अकेले हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक साथ रहें। मैं दोस्तों ये गाय बैल मैं उस वाले खेत में रखा था, वहाँ से इधर पर आ गए हैं, तो मैंने इनका देखभाल नहीं करा अच्छे से, तो वह वहाँ से भाग के इधर पर आ गए। सेम उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हम किसी व्यक्ति का, किसी अपने का अगर देखभाल नहीं करेंगे तो वो कहीं पर भी भटक सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें जीवन में सबको एक साथ मिलाकर एक साथ चलना चाहिए और सब पर ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए कि कौन कहाँ है, किस परिस्थिति में है, सबकी मदद करना चाहिए। अगर मैं इनका देखभाल अगर अभी सही समय में नहीं कर रहा होता तो ये कहीं पर भी भाग सकते थे और कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ अभी धान ही धान है। तो अब ये हमारा है तो चलो ठीक है कि नुकसान कर रहा है तो अभी चल रहा है, पर अगर दूसरों का अगर हो तो काफ़ी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये अभी चल रहे हैं। तो आपको मैं बीच बीच में जो भी मैसेज दे रहा हूँ वो सब एक सीखने का है, मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में भी। दोस्तों आज का मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ आप लोग को कि जिस प्रकार एक चरवाहा या एक मार्गदर्शक कितने परेशानियाँ सहकर ना धूप देखता है, ना बारिश देखता है, ना झंकाड़ी देखता है, ना कुछ ज़मीन में, वो अपने पालतू पशुओं को चराने के लिए हर एक मुसीबत का सामना करता है। सेम उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन या जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, सेम उसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कितने परेशानियां सहते हुए
हमारा मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो हमें अपने माँ बाप के लिए यही शिक्षा लेना चाहिए, अगर हम उस रास्ते में नहीं चल रहे हैं तो हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है कि हमारे माँ बाप कितने परेशानियों से हमको आगे बढ़ाया है। तो मैं अपने जीवन के एक छोटे से पाठ जो आपके सामने शेयर करता हूँ, उसके माध्यम से मैं आप लोग को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। तो हमेशा मैं देने की कोशिश करता हूँ कुछ मैसेज मीनिंग निकले। अगर मैं भी अपनी मौज मस्ती ये सब अगर दिखाऊंगा तो वो आप लोग के लिए मनोरंजन का साधन तो होगा पर कुछ मतलब नहीं निकलता उसका। तो मैंने अपने जीवन में एक चीज़ सीखा है कि मैं भी YouTube की दुनिया में आगे बढ़ूं, इसलिए मैं आप लोग के सामने अपना वीलॉग्स चैनल लेके आया हूं। मुझे भी शौक़ नहीं है कि मैं अपनी गरीबी को, अपनी जो भी परिस्थिति या परेशानियों को आपके सामने शेयर करूं। मेरा यही मकसद है कि मैं भी कुछ गोल अचीव करूं, इसलिए आपके सामने अपने हर चीज़ को दिखाता एक छोटे से लाइफ में कि क्या कर रहा हूं क्या नहीं। बाकी का मेरा जो दूसरा रूटीन है डेली लाइफ का, ऑफिस का, उसको आपके सामने शेयर नहीं कर रहा हूं। बाकी मेरा जो दैनिक जीवन है, दैनिक कार्य जो घर में करता हूं या बाहर जाऊंगा तो करूंगा, तो वो आपके सामने शेयर करता हूं ताकि आप उससे कुछ सीख सकें और मैं भी आप लोग से कुछ सीख सकूं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िए और हमेशा बने रहिए ताकि मैं भी और रोज़ दिन आपको एक नए नए ज्ञान, नए नए चीज़ सिखा सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी इनका मार्गदर्शन अच्छे से कर सकूं, इनको अच्छे से चरा सकूं बस ऑफिस जाने के पहले तक। तो ठीक है, ओके, बाय दोस्तों, जिससे आप हमेशा बने रहें।